इतना बड़ा सिलेबस कैसे करेंगे रिवाइज? बी स्मार्ट ब्रेक इन पार्ट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्ड रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हम सिलेबस को 6 पार्ट्स में बांटेंगे और हर पार्ट के बाद टेस्ट लेंगे और हर पार्ट को स्टेप वाइज ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे। इस तरीके से हम स्टेप वाइज अपने स्कोर इंक्रीमेंट को प्लान कर सकेंगे। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी की बेनिफिट्स के बारे में। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के कई सारे फायदे हैं, स्पेशली फॉर दोस जिनका स्कोर 300 से 500 पर अटका हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये कि यह रिवीजन को सुपर इजी बना देते हैं। दूसरे नंबर पर वीकनेस आइडेंटिफाई करने का पूरा मौका मिलेगा, विच विल फर्दर गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर स्कोर इन स्टेप वाइज मैनर। आइडेंटिफाई वीकनेस, एलिमिनेट देम एंड इम्प्रूव योर स्कोर। तो भैया स्कोर इंक्रीमेंट का टारगेट करो और आगे बढ़ो। इस ग्रेजुअल इंक्रीमेंट से आपके अंदर जो जोश आएगा, जो मोटिवेशन आएगा, उसका लेवल एकदम अलग होगा। उससे आपको आगे बढ़ने का एक हौसला मिलेगा एंड यू विल बिलीव कि हाँ यार, मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो रे, शेड्यूल करते हैं रिवीजन। इसकी शीट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर पार्ट को लगभग 3 से 5 दिन देंगे डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। कुछ लोग स्लो लर्नर होते हैं और कुछ फास्ट। उसकी बेसिस पर हम अपनी लर्निंग को एक पर्टिकुलर स्पीड से ले चलेंगे और उस हिसाब से प्रोग्राम करेंगे। तो भैया जो लोग फास्ट लर्नर हैं उनके लिए हम 3 दिन का टाइम लेंगे और 3 दिन में 1/6 ऑफ द सिलेबस को बढ़िया से रगड़ के घिस के याद कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखो रे, 3 दिन सिलेबस 1 की प्रिपरेशन करनी है और तीसरे दिन जाकर सिलेबस 1 का टेस्ट दे देना है। फिर सिलेबस 2 उठाएंगे और अगले 3 दिन तक सिलेबस 2 का रिवीजन करेंगे। सिलेबस 2 का रिवीजन होते ही टेस्ट ले लेंगे, यानी कि 6ठे दिन सिलेबस 2 का टेस्ट हो गया। उसके बाद से और आगे बढ़ेंगे और सिलेबस 3 को अगले 3 दिनों में रिवाइज करके खत्म करेंगे और 9th डे सिलेबस 3 का टेस्ट ले लेंगे। तो भैया 9वें दिन हमारा सिलेबस 1, 2 एंड 3 यानी 50% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट। अब क्या करना है, 3 दिन का टाइम और लेना है और सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3 को मिलाकर रिवाइज करना है। इन 3 दिन में हमारा सुपर फास्ट 1, 2, 3 का रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद से एक रिव्यू टेस्ट देना है। रिव्यू टेस्ट देते ही हमारे स्कोर में एक इंप्रूवमेंट दिखेगी, एक इंक्रीमेंट दिखेगी, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। 24th डे को आपका सिलेबस 4th, 5th एंड 6th का कंबाइंड टेस्ट देकर आपका सिलेबस रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। लो भैया सिलेबस खत्म। ए रुकना नहीं है, आगे क्या करना है तुम्हें, क्योंकि जब तक नीट का कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक तुम्हें आराम नहीं करना है। एना डायलॉग, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो भैया अब दे धनाधन फुल सिलेबस टेस्ट, धनाधन फुल सिलेबस टेस्ट दो और स्कोर धीरे धीरे बढ़ाओ। हर टेस्ट के बाद एक टारगेट सेट करो कि अगले टेस्ट में इतना स्कोर करना है, अगले टेस्ट में इतना स्कोर करना है, और इस तरीके से तुम अपने रिवीजन को फर्दर परफेक्ट बना लोगे। 2 रिवीजन तुमने पहले कर लिए, यानी कि पहला सिंगल रिवीजन, सिलेबस 1 को इंडिविजुअली दिया, फिर सिलेबस 1, 2, 3 को कंबाइन किया, तो कितने रिवीजन हो गए, 2। इसी तरह से सिलेबस 3, 4, 5 एंड 6 के लिए भी 2 रिवीजन हो गए। अब आने वाले 1 महीने में जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तो हर 5 दिन में कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा और एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते रिवीजन की स्पीड तुम्हारी इतनी बढ़ जाएगी कि एग्जाम से पहले वाले हफ्ते में तुम बढ़िया से अपना फुल सिलेबस टेस्ट रिवाइज कर लोगे। लेकिन ये रिवीजन पैसिव नहीं होने चाहिए, बल्कि होने चाहिए एक्टिव। तो एक्टिव रिवीजन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगली आने वाली वीडियो मिस ना करो। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।